भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 24 जिलों में शुक्रवार रात रुक रुक कर बारिश होती रही। भोपाल में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। शनिवार को जबलपुर, उज्जैन, सागर, गुना, छिंदवाड़ा समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिन बाद बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 3 सेलिब्रिटीज ने हाजिरी दी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर मंदिर पहुंचे। उनके साथ बेटे आरव, बहन अलका, हीरा नंदिनी और भांजी सिमर ने भी महाकाल के दर्शन किए। क्रिकेटर शिखर धवन भी भस्म आरती में शामिल हुए। बैडमिंटन प्लेयर सायना नेहवाल भी बाद में महाकाल मंदिर पहुंची। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार की जो आज मानसिकता है, वही मानसिकता जर्मनी के लीडर की रही है। हमारे संविधान में भारत और इंडिया एक ही है। आडवाणी जी ने कहा है था कि मोदी सबसे अच्छा इवेंट करते हैं, कोई भी कार्यक्रम को बहुत अच्छा इवेंट बना लेते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी का रास्ता धार्मिकता का रास्ता है। घोसी उपचुनाव की जीत ने इंडिया गठबंधन को आत्मविश्वास से भर दिया है। वहीं भाजपा के सहयोगी दलों का दावा कमजोर होगा। वही जीत के बाद अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया फिर एनडीए को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। घोसी सीट के उपचुनाव के नतीजे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ी ताकत दी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में शनिवार सुबह 6 बजे राज्य के नंदियाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। चंद्र बाबू को तब गिरफ्तार किया गया जब वे नंदियाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वे एक बस में आराम कर रहे थे। सीबीआई ने 9 दिसंबर 2021 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज की थी। नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 सितंबर को होने वाली G20 नेताओं के डिनर में नहीं बुलाया गया है। ये डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये केवल वही हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। 8 सितंबर को राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे को न बुलाए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के 10 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली बुला लिया गया है। ये वही मामला है जिसमें दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। ये समन दिल्ली में सीबीआई के अतिरिक्त एसपी राजीव कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। खबर लिखे जाने तक अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से अब तक 296 लोगों की मौत हो चुकी है, 153 लोग जख्मी हो गए हैं। मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। ये शुक्रवार की देर रात आया था। हालांकि यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई है। कहा है कि ये इस इलाके में 120 साल में आया है सबसे ताकतवर भूकंप है। आयुष्मान खुराना स्टार्टर ड्रीम गर्ल 2 बॉक्स पर अच्छी कमाई की है। हालांकि गदर 2 और शाहरुख खान की हालिया फिल्म ने इसकी कमाई पर ब्रेक लगा दिया है। अब तक 96 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। ये फिल्म धीमी रफ्तार से 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। अब इस फिल्म के मेकर्स ने फैंस के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर की है। मेकर्स ने बताया कि तीसरे हफ्ते में चल रही इस फिल्म का अब एक पर एक टिकट फ्री मिलेगा।